लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही कई एजेंसियों ने अपने ओपिनियन पोल जारी कर दिए। इस बार नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर रखने के लिए विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि महागठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। न्यूज एजेंसी प्रोजेक्शन के सर्वे के मुताबिक सत्ताधारी एनडीए को पिछले चुनाव में मुकाबले में कम सीटें मिलेंगी, लेकिन बहुमत के करीब पहुंच कर सकता है। ऐसा होता है कि नरेंद्र मोदी आराम से दोबारा प्रधानमंत्री बन सकते हैं। पीएम न्यूज प्रोजेक्शन के सर्वे में एनडीए को 268 से 272, यूपीए को 132 से 136 और अन्य को 137 से 141 सीटें दी गई है। हालांकि अगर महागठबंधन होता है तो एनडीए को नुकसान उठाना होगा। सर्वे के मुताबिक एनडीए को वोट शेयर 34% और यूपीए का 28 रहा है। 2014 के आम चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 31% था। पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की बीजेपी में बीएसपी का सुपड़ा साफ किया था। बीजेपी ने 71 और सहयोगी अपना दल ने 2 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी से टकराने के लिए एसपी और बीएसपी साथ आ गए हैं। ऐसे में अगर बीएसपी एसपी और आरएलडी का गठबंधन बना रहा तो बीजेपी को तेजी से 37 सीटें संतोष करना पड़ेगा। हालांकि इसकी भरपाई पश्चिम बंगाल उत्तर पूर्व के राज्यों से हो सकती है। एसपी बीएसपी का महागठबंधन 41 से 45 सीटें ला सकता है। वही दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के साथ जाने का रास्ता ढूंढ रही थी, लेकिन कांग्रेस ने ऐसी संभावना से इनकार कर दिया। हालांकि यहाँ बीजेपी को पिछले चुनाव में मुकाबले नुकसान होना पड़ा था। सर्वे के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी को 4 सीटें और आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती है। 2014 में 7 सीटें बीजेपी की थी। वही राज्य न्याय ये होंगी सीटें। जम्मू कश्मीर में यूपीए को 3 सीट, वही एनडीए को 1 सीट मिलेंगी। हिमाचल प्रदेश में यूपीए को 4, वही एनडीए को 2 सीट। पंजाब में एनडीए को 6, यूपीए को 6। हरियाणा में एनडीए को 6, यूपीए को 2 सीट मिलेगी। राजस्थान में एनडीए को 17, वही यूपीए को 8 सीट मिलेगी। दिल्ली में एनडीए को 4, वही यूपीए को 0 सीट मिलेंगी। उत्तराखंड में यूपीए को 4 सीट, वही एनडीए को 4 सीट मिलेंगी। मध्य प्रदेश में यूपीए को 23 सीट, वही एनडीए को 23 सीट मिलेंगी। उत्तर प्रदेश में एनडीए को 37 सीट, वही यूपीए को 3 सीट मिलेंगी। छत्तीसगढ़ में एनडीए को 7 सीट, वही यूपीए को 8 सीट मिलेंगी। गुजरात में एनडीए को 23 सीट, वही यूपीए को 7 सीट मिलेंगी। महाराष्ट्र में एनडीए को 35 सीट, वही यूपीए को 17 सीट मिलेगी। यार हाँ दोस्तों, ओपिनियन पोल आपका क्या सुझाव? दोस्तों आपको क्या लगता है कौन जीतेगा 2019 का महासंग्राम, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पीएम न्यूज़ 24 की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही कई एजेंसियों ने अपने ओपिनियन पोल जारी कर दिए। इस बार नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर रखने के लिए विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि महागठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। न्यूज एजेंसी प्रोजेक्शन के सर्वे के मुताबिक सत्ताधारी एनडीए को पिछले चुनाव में मुकाबले में कम सीटें मिलेंगी, लेकिन बहुमत के करीब पहुंच कर सकता है। ऐसा होता है कि नरेंद्र मोदी आराम से दोबारा प्रधानमंत्री बन सकते हैं। पीएम न्यूज प्रोजेक्शन के सर्वे में एनडीए को 268 से 272, यूपीए को 132 से 136 और अन्य को 137 से 141 सीटें दी गई है। हालांकि अगर महागठबंधन होता है तो एनडीए को नुकसान उठाना होगा। सर्वे के मुताबिक एनडीए को वोट शेयर 34% और यूपीए का 28 रहा है। 2014 के आम चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 31% था। पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की बीजेपी में बीएसपी का सुपड़ा साफ किया था। बीजेपी ने 71 और सहयोगी अपना दल ने 2 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी से टकराने के लिए एसपी और बीएसपी साथ आ गए हैं। ऐसे में अगर बीएसपी एसपी और आरएलडी का गठबंधन बना रहा तो बीजेपी को तेजी से 37 सीटें संतोष करना पड़ेगा। हालांकि इसकी भरपाई पश्चिम बंगाल उत्तर पूर्व के राज्यों से हो सकती है। एसपी बीएसपी का महागठबंधन 41 से 45 सीटें ला सकता है। वही दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के साथ जाने का रास्ता ढूंढ रही थी, लेकिन कांग्रेस ने ऐसी संभावना से इनकार कर दिया। हालांकि यहाँ बीजेपी को पिछले चुनाव में मुकाबले नुकसान होना पड़ा था। सर्वे के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी को 4 सीटें और आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती है। 2014 में 7 सीटें बीजेपी की थी। वही राज्य न्याय ये होंगी सीटें। जम्मू कश्मीर में यूपीए को 3 सीट, वही एनडीए को 1 सीट मिलेंगी। हिमाचल प्रदेश में यूपीए को 4, वही एनडीए को 2 सीट। पंजाब में एनडीए को 6, यूपीए को 6। हरियाणा में एनडीए को 6, यूपीए को 2 सीट मिलेगी। राजस्थान में एनडीए को 17, वही यूपीए को 8 सीट मिलेगी। दिल्ली में एनडीए को 4, वही यूपीए को 0 सीट मिलेंगी। उत्तराखंड में यूपीए को 4 सीट, वही एनडीए को 4 सीट मिलेंगी। मध्य प्रदेश में यूपीए को 23 सीट, वही एनडीए को 23 सीट मिलेंगी।
उत्तर प्रदेश में एनडीए को 37 सीट वही यूपीए को 3 सीट मिलेंगी। छत्तीसगढ़ में एनडीए को 7 सीट वही यूपीए को 8 सीट मिलेंगी। गुजरात में एनडीए को 23 सीट वही यूपीए को 7 सीट मिलेंगी। महाराष्ट्र में एनडीए को 35 सीट वही यूपीए को 17 सीट मिलेगी। यार हाँ दोस्तों, ओपिनियन पोल आपका क्या सुझाव दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा 2019 का महासंग्राम, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पीएम न्यूज 24 की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही कई एजेंसियों ने अपने ओपिनियन पोल जारी कर दिए। इस बार नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर रखने के लिए विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि महागठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। न्यूज एजेंसी प्रोजेक्शन के सर्वे के मुताबिक सत्ताधारी एनडीए को पिछले चुनाव में मुकाबले में कम सीटें मिलेंगी, लेकिन बहुमत के करीब पहुंच कर सकता है। ऐसा होता है कि नरेंद्र मोदी आराम से दोबारा प्रधानमंत्री बन सकते हैं। पीएम न्यूज प्रोजेक्शन के सर्वे में एनडीए को 268 से 272, यूपीए को 132 से 136 और अन्य को 137 से 141 सीटें दी गई है। हालांकि अगर महागठबंधन होता है तो एनडीए को नुकसान उठाना होगा। सर्वे के मुताबिक एनडीए को वोट शेयर 34.4 और यूपीए का 28 रहा है। 2014 के आम चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 31.1 था। पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के बीजेपी में बीएसपी का सुपड़ा साफ किया था। बीजेपी ने 71 और सहयोगी अपना दल ने 2 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी से टकराने के लिए एसपी और बीएसपी साथ आ गए हैं। ऐसे में अगर बीएसपी एसपी और आईएलडी का गठबंधन बना रहा तो बीजेपी को तेजी से 37 सीटें संतोष करना पड़ेगा। हालांकि इसकी भरपाई पश्चिम बंगाल उत्तर पूर्व के राज्यों से हो सकती है। एसपी बीएसपी का महागठबंधन 41 से 45 सीटें ला सकता है। वही दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के साथ जाने का रास्ता ढूंढ रही थी, लेकिन कांग्रेस ने ऐसी संभावना से इनकार कर दिया। हालांकि यहाँ बीजेपी को पिछले चुनाव में मुकाबला नुकसान होना पड़ा था। सर्वे के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी को 4 सीटें और आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती है। 2014 में 7 सीटें बीजेपी की थी। वही राज्य न्याय ये होंगे सीटें। जम्मू कश्मीर में यूपीए को 3 सीट वही एनडीए को 1 सीट मिलेंगी। हिमाचल प्रदेश में यूपीए को 4 वही एनडीए को 2 सीट। पंजाब में एनडीए को 6 यूपीए को 6। हरियाणा में एनडीए को 6 यूपीए को 2 सीट मिलेगी। राजस्थान में एनडीए को 17 वही यूपीए को 8 सीट मिलेगी। दिल्ली में एनडीए को 4 वही यूपीए को 0 सीट मिलेंगी। उत्तराखंड में यूपीए को 4 सीट वही एनडीए को 4 सीट मिलेंगी। मध्य प्रदेश में यूपीए को 23 सीट वही एनडीए को 23 सीट मिलेंगी। उत्तर प्रदेश में एनडीए को 37 सीट वही यूपीए को 3 सीट मिलेंगी। छत्तीसगढ़ में एनडीए को 7 सीट वही यूपीए को 8 सीट मिलेंगी। गुजरात में एनडीए को 23 सीट वही यूपीए को 7 सीट मिलेंगी। महाराष्ट्र में एनडीए को 35 सीट वही यूपीए को 17 सीट मिलेगी। यार हाँ दोस्तों, ओपिनियन पोल आपका क्या सुझाव दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा 2019 का महासंग्राम, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पीएम न्यूज 24 की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही कई एजेंसियों ने अपने ओपिनियन पोल जारी कर दिए। इस बार नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर रखने के लिए विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि महागठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। न्यूज एजेंसी प्रोजेक्शन के सर्वे के मुताबिक सत्ताधारी एनडीए को पिछले चुनाव में मुकाबले में कम सीटें मिलेंगी, लेकिन बहुमत के करीब पहुंच कर सकता है। ऐसा होता है कि नरेंद्र मोदी आराम से दोबारा प्रधानमंत्री बन सकते हैं। पीएम न्यूज प्रोजेक्शन के सर्वे में एनडीए को 268 से 272, यूपीए को 132 से 136 और अन्य को 137 से 141 सीटें दी गई है। हालांकि अगर महागठबंधन होता है तो एनडीए को नुकसान उठाना होगा। सर्वे के मुताबिक एनडीए को वोट शेयर 34.4 और यूपीए का 28 रहा है। 2014 के आम चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 31.1 था। पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के बीजेपी में बीएसपी का सुपड़ा साफ किया था। बीजेपी ने 71 और सहयोगी अपना दल ने 2 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी से टकराने के लिए एसपी और बीएसपी साथ आ गए हैं। ऐसे में अगर बीएसपी एसपी और आईएलडी का गठबंधन बना रहा तो बीजेपी को तेजी से 37 सीटें संतोष करना पड़ेगा। हालांकि इसकी भरपाई पश्चिम बंगाल उत्तर पूर्व के राज्यों से हो सकती है। एसपी बीएसपी का महागठबंधन 41 से 45 सीटें ला सकता है। वही दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के साथ जाने का रास्ता ढूंढ रही थी, लेकिन कांग्रेस ने ऐसी संभावना से इनकार कर दिया। हालांकि यहाँ बीजेपी को पिछले चुनाव में मुकाबला नुकसान होना पड़ा था। सर्वे के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी को 4 सीटें और आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती है। 2014 में 7 सीटें बीजेपी की थी। वही राज्य न्याय ये होंगे सीटें। जम्मू कश्मीर में यूपीए को 3 सीट वही एनडीए को 1 सीट मिलेंगी। हिमाचल प्रदेश में यूपीए को 4 वही एनडीए को 2 सीट। पंजाब में एनडीए को 6 यूपीए को 6।
हरियाणा में एनडीए को 6, यूपीए को 2 सीट मिलेगी। राजस्थान में एनडीए को 17, वही यूपीए को 8 सीट मिलेगी। दिल्ली में एनडीए को 4, वही यूपीए को 0 सीट मिलेंगी। उत्तराखंड में यूपीए को 4 सीट, वही एनडीए को 4 सीट मिलेंगी। मध्य प्रदेश में यूपीए को 23 सीट, वही एनडीए को 23 सीट मिलेंगी। उत्तर प्रदेश में एनडीए को 37 सीट, वही यूपीए को 3 सीट मिलेंगी। छत्तीसगढ़ में एनडीए को 7 सीट, वही यूपीए को 8 सीट मिलेंगी। गुजरात में एनडीए को 23 सीट, वही यूपीए को 7 सीट मिलेंगी। महाराष्ट्र में एनडीए को 35 सीट, वही यूपीए को 17 सीट मिलेगी। यार हाँ दोस्तों, ओपिनियन पोल आपका क्या सुझाव? दोस्तों आपको क्या लगता है कौन जीतेगा 2019 का महासंग्राम, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। PM News 24 की रिपोर्ट।